सेशन, अपने ही बयान से पलटे संजय रावत, कहीं ये बड़ी बात। अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाने वाले कंगना रनावत के बयानों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जब बयान के दौर उनका संजय रावत से चला तो वो तो कुछ आगे ज़्यादा ही बढ़ गया। शिवसेना नेता संजय रावत और कंगना रनावत के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह बयान की शुरुआत कंगना रनावत के उस बयान से हुई जब उन्होंने पिछले दिनों उन्होंने ये कहा कि वे मुंबई पुलिस से सेफ महसूस नहीं करती हैं। इसके बाद संजय रावत ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि कंगना को मुंबई वापस आना नहीं चाहिए। इसका फिर पलटवार करते हुए कंगना ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से कर दी। इसी बीच अब बीएमसी ने एक्ट्रेस के ऑफिस पर जब अवैध निर्माण की कार्रवाई की तो इसे संजय रावत की एक राजनीतिक पैंतरा देखा जा रहा है लेकिन इसको साफ करते हुए कंगना रनौत ने वीडियो भी वायरल किया था जिसमें उन्होंने ये साफ इस बात को कहती दिखी हैं। पर अब संजय रावत का जो बयान आ रहा है उसमें तो वो कुछ और ही कहते नजर आ रहे हैं। देखिए वो क्या ऐसी बड़ी बात कह गए हैं। बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए बयानों के मुताबिक संजय रावत ने बयान जारी किया है कि उन्होंने कंगना रनौत को कभी धमकी दी ही नहीं। मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से करने पर उन्होंने सिर्फ एक आपत्ति जताई थी। संजय रावत ने कहा, कंगना रनौत मुंबई में रह सकती हैं, मेरा बीएमसी की कार्रवाई में कोई लेना देना नहीं है। मैंने कभी भी कंगना रनौत को कोई धमकी नहीं दी, मैंने सिर्फ अपना गुस्सा जाहिर किया था, वह भी उनके द्वारा दिए गए बयानों पर। बीएमसी ने जो किया उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरे लिए विवाद खत्म हो चुका है। कंगना मुंबई में रहने के लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो इस तरीके से बदला बयान संजय रावत का, क्या कुछ राजनीतिक चाल है या फिर कोई एक नए वार की तैयारी है? जानने के लिए ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल ऑल इंडिया नेशन के साथ। धन्यवाद।